वाराणसी नगर निकाय चुनाव को लेकर लाइव टीवी एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम। यूपी का अपना नगर में देखिए प्रत्याशियों की खास बातचीत। वाराणसी के हर वार्ड में पहुंची लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम। विजय कुमार यादव वार्ड नंबर 81 कृतिवासेश्वर को बनाएंगे उच्च स्तरीय वार्ड। जमीनी स्तर से करेंगे समस्याओं का समाधान। वादों को हकीकत में बदलना ही है हमारा पहला लक्ष्य। जनता की जुबान पर चढ़ गया सपा का रंग। विजय कुमार यादव जी चलाएंगे साइकिल। वाराणसी से कृतिवासेश्वर वार्ड नंबर 81 सपा पार्षद प्रत्याशी विजय कुमार यादव से संवाददाता ब्रजेश त्रिवेदी ने की खास बातचीत। वाराणसी से सपा पार्षद प्रत्याशी विजय कुमार यादव कर रहे दावेदारी। पार्षद प्रत्याशी विजय कुमार यादव ने चुनाव की तैयारी की बताई हकीकत। नमस्कार, मैं हूं आपका अपना होस्ट ब्रजेश त्रिवेदी और आप मेरे साथ देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस। यूपी का अपना नगर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे थे लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम वाराणसी क्षेत्र में है और वाराणसी क्षेत्र में इस समय हमारी टीम पहुंची वार्ड नंबर 81 में, जहां पर कृतिवासेश्वर वार्ड में विजय कुमार यादव जी जो हैं वो समाजवादी पार्टी से पार्षद प्रत्याशी हैं। आइए जानते हैं उनसे कि यहाँ की क्या व्यवस्था है। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं विजयादेव बिज्जू जी, पूर्व पार्षद कतुआपुरा, नया वार्ड 81 नंबर कीर्तिवासेश्वर। तो सर, हमारा पहला सवाल ये है कि यहाँ पर आप कितने सालों से राजनीति में हैं और क्या ये आपका पहला चुनाव है? मैं समाजवादी पार्टी में 1995 से हूँ। 1995 से आप हैं जी, और 2012 से 17 कार्यकाल में समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं यहीं से पार्षद निर्वाचित हुआ था जी, और इस समय वर्तमान में मैं समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी हूँ जी, और क्षेत्र की जनता का सहयोग आशीर्वाद लगातार मुझे प्रचार प्रसार में मिल रहा है। जैसा सर हमें ये सुनने में आया है, हम लोग भ्रमण पे थे तो हमारा एक जनता की तरफ से एक सवाल है कि आप बता रहे हैं कि आप 5 साल रहे पार्षद प्रत्याशी, 2017 से आप पार्षद प्रत्याशी नहीं है उस टाइम पे। उस समय जब आप पार्षद प्रत्याशी थे उस समय आपने 3-3 समस्याओं का सामना किया और उसके बाद जब आप 5 साल आप इस कार्यकाल में नहीं रहे, उस समय आपकी बनाई हुई रणनीति कहाँ तक डिस्टर्ब हुई, कहाँ तक वो परिस्थितियाँ बदली, तो उन्हें हम जानना चाहते हैं, उन्हें जनता जानना चाहती है कि आप 2017 के बाद अब पार्षद प्रत्याशी आए हैं तो अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे अगर आप जीतते हैं तो? जब हम पार्षद थे उस समय हमने अपने क्षेत्र में बहुत काम कराया जी। पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी विश्वेश्वरगंज है और सबसे बड़ा कूड़ा घर यहीं पर है जी। कूड़ा घर के ये सर हमने सर्वे किया था, हमें पता चला था जी, हमने ही कराया। और उस समय दो दो यहाँ पे मिनी ट्यूबवेल भी लगाई गई मेरे वार्ड में, सैकड़ों LED लाइटें लगाई गई हैं, 3 बड़े बड़े मंडी में हाई मार्क्स लगाए गए। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में हमने अपने वार्ड में माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद सहयोग से हमने करोड़ों रुपए का विकास कार्य कराया। और सर जब आपने छोड़ा, जब आप पद से हटे और दूसरी पार्टी के व्यक्ति विशेष आए तो क्या बदलाव नजर आया आपको? देखिए, सबका अपना अपना काम करने का तरीका, कहीं ना कहीं अधूरा रहा। आज हम आपको बता दें, आज के दिन की हम बात बता रहे हैं, मैं क्षेत्र में प्रचार प्रसार कर रहा था, कतुआपुरा के सबसे अंतिम छोर पे मकान नंबर 47/143 समथिंग है, वहाँ पे लगभग महीनों से सीवर बह रहा है। यानी आप ही थे क्षेत्र में जब आप पार्षद थे उसके बाद से स्थितियाँ ऐसी बदतर हो गई थी, आपके क्षेत्र में ही महीनों भर से पानी से मतलब सीवर से पानी बह रहा है, सीवर पानी बह रहा है। तो मौजूदा पार्षद प्रत्याशियों ने तो मतलब जो जीते थे उन्होंने ध्यान नहीं दिया उस चीज़ पे। इस समय वर्तमान स्थिति वहाँ पे है कि वहाँ पे उस रोड से आने जाने लायक नहीं है, और मेरे पास अभी आज का प्रेजेंट का वीडियो भी है कि आप जिसमें देखेंगे कि गली में पूरा का पूरा पानी इधर में ओवरफ्लो हो रहा है। ये मैं दिखाना चाहता हूं, और मकान नंबर ज़ूम करते देखिए कि आप कतुआपुरा के सीवर लगातार गलियों में बह रहा है और मकान नंबर 47/143 यानी 47/143 में ये स्थिति परिस्थिति है। आज अभी प्रेजेंट की स्थिति यह है कि उस गली में आप आ जा नहीं सकते हैं, तो निश्चित कहीं ना कहीं से साफ सफाई व्यवस्था। तो सर हमारा एक तीसरा प्रश्न ये है कि जैसा कि आपने देखा है कि अब चाचा जी वापस आए हैं, चाचा जी का वापस आना समाजवादी पार्टी में और चाचा भतीजे की जोड़ी, यानी एक युवा पीढ़ी और एक अनुभव पीढ़ी, आप इस तो कैसे ले रहे हैं अब चुनाव में? चाचा जी के आने के बाद से समाजवादी पार्टी अपने गार्जियन को पा के हर उत्साहित है और पिता तुल्य हमारे गार्जियन का अनुभव हम कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी अत्यधिक उत्साहित है
और कार्यकर्ता नौजवान उत्साही ढंग से काम कर रहे हैं। इसका परिणाम आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलेगा, अप्रत्याशित चमत्कार होने जा रहा है। अब सर हमारा एक अंतिम प्रश्न है कि आप की जनता 81 वार्ड की जनता आप तो सुन रही है इस समय जी। और सिर्फ 81 वार्ड की जनता ही नहीं, आप तो पूरा भारत देश सुन रहा है। आप अपने क्षेत्रवासियों को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? अब ती बार साइकिल ही त्यों उन्हें ही त्यों चुने, क्योंकि पिछले 5 सालों में क्षेत्र की जनता परेशान है। कहीं कोई साफ सफाई, सीवर पानी का कहीं कोई इंतजाम अच्छा नहीं रहा है। इसीलिए शायद जनता कहीं न कहीं से क्षेत्र में हम लोगों को जाने पर महसूस हो रहा है कि जनता दुखी और पीड़ित है, और मुझे जनता ही चुनाव लड़ा रही है। जनता ने अपना मन बना लिया है कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताना है। अगल बगल के भी वार्डों में यही स्थिति है। निश्चित हम आपको विश्वास भरोसा दिलाना चाहते हैं कि आप रिजल्ट देखेंगे, समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस बनारस में देने जा रही है। ये थे हमारे साथ 81 वार्ड थे पार्षद प्रत्याशी। साफ साफ कहना है कि 2013 से 12 से 17 के बीच में साइकिल चली, लेकिन उसका कहीं ना कहीं स्टॉप हुआ था। अब चुनाव में क्या बात है, 81 वार्ड में साइकिल चलती है, तेज चलती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल स्थिति ऐसी है कि लाइव टीवी एक्सप्रेस टीम आप सबसे बोलना चाहती है कि अगर भावी पार्षद प्रत्याशी जो या जो जीते हैं उनके रहते हुए भी अगर नाली और पानी की व्यवस्थाएँ चरमरा रही हैं तो शायद जनता का रुझान कुछ और होगा। इशारे ही बहुत होते हैं। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस उत्तर प्रदेश। तो ये थी लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल की कुछ खास खबरें। इसी तरह चुनिंदा खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज़ चैनल।